हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो क्रोमा टेक यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट टाइम रेडमी के ट्वेंटी प्रो के ऊपर एंड्रॉयड 12 के ऊपर मैंने जो है स्क्रीन का रिफ्रेश रेट अनलॉक कर रखा है, यानी कि डिस्प्ले को ओवरक्लॉक कर दिया है अप टू 72 हर्ट्स या फिर 73 FPS आप बोल सकते हो या फिर 73 हर्ट्ज तक बोल सकते हो। और इसके साथ क्या चीज़ें आपकी इम्प्रूव होगी, क्या आपको बेस्ट या फिर बैड चीज़ देखने को मिलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एंड्रॉयड 11 के साथ अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना, और वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली एक लाइक जरूर से कर सकते हो। और कल मैंने सोवियत स्टार वर्सेस सोवियत गुलाग एडिशन को जो है कंपेयर किया था कौन सा गेमिंग के लिए। अगर आपने वीडियो नहीं चेकआउट की तो आई बटन के अंदर लिंक है, जाके जरूर से चेकआउट करना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन है K20 Pro यूजर्स के लिए। सबसे पहले देखोगे तो कुछ इस तरीके से आप यहां पे चेक कर सकते हो, अप टू 73 FPS या फिर 73 हर्ट्ज तक मैंने इसको ओवरक्लॉक कर रखा है। एंड सेम चीज अगर मैं आपको DRM इन्फो के अंदर चेक करवाऊं तो देख सकते हो 72 FPS यहां पे जो है या फिर 72 हर्ट्ज तक इसको अनलॉक मैंने कर रखा है। एंड्रॉइड 12 के ऊपर आप इस चीज को ट्राई कर सकते हो, और वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ सोवियत स्टार कर्नल के साथ में या फिर गुलैग एडिशन के साथ में। फिलहाल मैंने यहां पे गुलैग एडिशन को इंस्टॉल कर रखा है, कोई रूट आपको नहीं करना, जस्ट बैकअप करना है अपने boot.img का और उसके साथ DTBO का, तो दोनों का बैकअप करना है रिकवरी के अंदर। उसके बाद आपको यहां पे जो है अपने फोन के अंदर जो है लेटेस्ट वाला गुलैग या फिर सोवियत स्टार कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, दोनों को डाउनलोड कर लेना, जो भी आप यहां पे यूज करना चाहते हो दोनों के अंदर ही ये रिफ्रेश रेट का ऑप्शन आपको मिलता है। उसके बाद रीनेम के ऊपर आना है और ये कुछ आपको ऐड करना है, इस फाइल का नेम है ना .zip से पहले आपको यहां पे जो है /72hz यहां पे सेव करना है, या फिर आप 69hz के ऊपर भी जा सकते हो। इसकी बात करेंगे जब आप इसको फ्लैश कर लोगे 72hz तक, तो सबसे पहले तो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड स्मूथ हो जाएगी, एनिमेशंस काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे। ये चीज आपको 60hz के ऊपर आई थिंक कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगी जो आपको 72hz के ऊपर मिल रही है, तो ये चीज आप रियली में यहां पे जो ना नोटिस करोगे। एंड ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड एनिमेशन देख सकते हो, और स्क्रोलिंग यहां पर चेक कर सकते हो काफी स्मूथ हो चुकी है, तो कुछ इस तरीके से एक ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सेकंड चीज आपको यहां पे ना बैड थिंग देखने को मिलेगी, जब आप यहां पे लो लाइट के अंदर इस रिफ्रेश रेट के ऊपर कोई मीडिया कंजप्शन वगैरह यूज कर रहे हो ना, या फिर जो है कोई मूवी वगैरह देख रहे हो, तो आपको ग्रीन टिंट का इशू आएगा। एंड ये चीज कॉमन है सभी एमुलेट डिवाइसेस के साथ में, मी 11X के ऊपर भी है 120Hz के ऊपर, तो ये चीज ध्यान में रखना, एमुलेट डिस्प्ले के ऊपर ये चीज होती ही है। तो अगर आप यहां पे ओवरक्लॉक करोगे एक ये इशू आ सकता है आपको, और लॉन्ग टर्म के अंदर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, बट आप अपने अकॉर्डिंगली यहां पे यूज कर सकते हो। काफी सारे लोग कहते हैं कि हम यहां पे इसको एक साल से यूज कर रहे हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और दूसरी चीज की बात करेंगे तो अभी जो है लैक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन आपको मिलेगी एंड्रॉयड 12 के सभी अपडेट्स के ऊपर, या फिर कुछ अपडेट्स यानी कि जो यहां पे मैंने यूज किया है ये है पिक्सल एक्सपीरियंस का इनिशियल बीटा अपडेट, और जस्ट एक ही अपडेट आया है, तो इसके अंदर ज्यादा कोई फिक्सेस या फिर ज्यादा तगड़ी कोई ऑप्टिमाइजेशन अभी नहीं की गई, और ये चीज ध्यान में रखना। तो उसकी वजह से आपको क्या है कि बैटरी कंजप्शन भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, एंड ये चीज मैंने इस रॉम के ऊपर नोटिस की है, मेरे को थोड़ा सा ज्यादा ही यहां पे बैटरी ड्रेन देखने के लिए मिला था। और नॉर्मली अगर मैं यहां पे बताऊं ना, नॉर्मली काफी अच्छा चल जाएगा, बट जैसे कोई हैवी टास्क गेमिंग वगैरह के अंदर ट्राई करोगे तो फिलहाल पिक्सल एक्सपीरियंस के ऊपर तो आपका ये काफी अच्छे से वर्क नहीं करेगा, यानी कि जो बैटरी कंजप्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखना, वो है लैक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन की वजह से, जो कि एंड्रॉइड 11 के अंदर ऑलमोस्ट आपको अच्छे से मिल जाती है। अब आते हैं गीक बेंच 5 के स्कोर के ऊपर, जो कि मैं वैसे आपको नॉर्मली चेक करवाने वाला हूं, ऐसे कोई मेरा मेन पर्पज ये नहीं है कि मैं आपको गीक बेंच 5 के स्कोर्स दिखाऊं। तो ये देख सकते हैं मैंने जस्ट यहां पे कैप्चर कर लिए थे, कुछ ऐसा स्कोर मिल जाएगा, और पर्फ के साथ में जो स्कोर है वो कुछ ऐसा आपको मिलता है इसके स्टॉक कर्नल के साथ, जो कि आप यहां पर चेक कर सकते हो, ये सोवियत स्टार गुलैग के साथ में है। और रही बात यहां पे सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ की, तो जो आपका सीपीयू यहां पे थ्रॉटल करता है ना, वो 220,000 के आसपास आपको मैक्सिमम GIPS दे रहा है, और 88% तक आपको मैक्सिमम यहां पे परफॉर्मेंस मिल जाएगी, यानी कि जो है सीपीयू आपका 88% तक यहां पे थ्रॉटल करता है कुछ इस तरीके से। एंड अगर आप स्टॉक कर्नल के साथ कंपेयर करोगे यहां पे 94% तक आपका सीपीयू थ्रॉटल करता है, मैक्सिमम GIPS मैक्सिमम आपको 1,76,000 के आसपास मिलते हैं, और इधर देखोगे तो 2,20,000 के आसपास मिलते हैं, तो बेटर सीपीयू थ्रॉटलिंग आपको मिलेगी यहाँ पे जो है इस कर्नल को फ्लैश करने के बाद में। वैसे नॉर्मली ओवरक्लॉकिंग का इससे कोई रिलेशन नहीं, बट मैं जो है परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, तो ये चीज भी ध्यान में रख लेना थोड़ी सी अगर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में जानना हो। अब आते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने ना यहाँ पे FPS मीटर इनेबल कर रखा है, और इसके अंदर FPS देखोगे तो
71, 70 के आसपास यहाँ पे चला जाता है। एंड अगर मैं गेम प्ले की बात करूँ तो गेम प्ले काफी स्मूथ था इनिशियली जब फोन ठंडा था, बट जैसे ही फोन थोड़ा हीट होता है ना तो लैक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से आपको ऐसे टच रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता जितना आप इस चीज को अचीव कर सकते हो एंड्रॉइड 11 की रोम्स के ऊपर। तो ये चीज ध्यान में रखना, और उतना अच्छा आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा गेमिंग के अंदर। सो फिलहाल अगर आप यहाँ पे 72 FPS को एज ए डेली ड्राइवर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट गेमिंग के लिए फिलहाल ये रिकमेंड मैं नहीं करता। एंड्रॉइड 12 के साथ में, एंड्रॉइड 11 के साथ आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, एंड्रॉइड 11 काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है फिलहाल के लिए, स्टेबल है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।